एक और बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर है कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस की पोस्टर बना सकती हूँ प्रियंका मौर्य। प्रियंका मौर्य ने भी हाथ का साथ छोड़ करके अब उसी हाथ में कमल पकड़ लिया है। प्रियंका मौर्य जिसकी तस्वीर आपने देखा होगा और प्रियंका गांधी को भी प्रचार करते आपने सुना होगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पोस्टर गर्ल माना जाता था प्रियंका मौर्य को। लेकिन प्रियंका मौर्य ने ये कहते हुए पार्टी छोड़ दी है कांग्रेस की, सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम का, मेरे चेहरे का, मेरे 10 लाख फॉलोअर्स का इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने, लेकिन मुझे सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया, मुझे टिकट नहीं दिया गया। पोस्टर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर जिस महिला का पोस्टर आगे किया गया, फेस आगे किया गया, आज वो महिला प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो चुकी है। उनसे बात करते हैं। प्रियंका जी, क्या वजह रही आप छोड़कर चले गए? आपको इतना फेम दिया गया, पोस्टर पे आपका चेहरा आगे किया गया। हाँ, मेरे चेहरे को इस्तेमाल किया गया वोट बैंक की तरह, और सिर्फ बात की गई कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी, सिर्फ ये स्लोगन दिया गया लेकिन लड़ने का मौका नहीं दिया गया। बात करने से काम नहीं चलेगा, आपको महिलाओं का हक देना पड़ेगा। तो ये एक जो इन्होंने ये पूरा चलाया है प्रोग्राम की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की जो महिला थी वो लड़ते रही अधिकार के लिए, लेकिन कोई भी रिप्लाई बैक नहीं मिला मुझे उस पार्टी से। अब आप लड़ने के लिए आई है, प्रियंका गांधी से लड़ने के लिए बीजेपी में चली आई है, किस तरह से लड़ेंगी आप? मैं एक विचारधारा के साथ मेहनत कर रही थी। मैं डॉक्टर हूँ, मीठी गोली मीठी बोली का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कार्य को करने के लिए। तो मैं एक तरीके से सारी चीजें प्रोग्रेसिव मोड में कर रही थी, और वो मदद के दायरे को बढ़ाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था। पॉलिटिक्स वो कर रहे, हम मेहनत कर रहे थे अपनी विधानसभा में, 170 सरोजनी नगर से मैंने आवेदन भी किया था। सब कुछ करने के बावजूद मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हुआ कि सिर्फ यहाँ बात हो रही है, यहाँ अधिकार नहीं दिया जा रहा है, और मेरे फेस को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक की तरह, क्योंकि वोट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ओबीसी के, महिलाओं के, हमारी कम्युनिटी के, तो उसी के खिलाफ मैंने आवाज उठाई। प्रियंका गांधी ओबीसी विरोधी है? ओबीसी विरोधी अगर नहीं होती तो मेरे सामने पुरुष को ना खड़ा कर देती, और इस तरीके से जो वो बात करती हैं उस पे वो गौर जरूर करती। अच्छा, आपको टिकट नहीं मिला इस वजह से आप इतनी नाराज हैं और इस वजह से इतना विरोध कर रही हैं प्रियंका गांधी का? इस वक्त मेरे साथ प्रिया सिंह सोमवंशी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रिया, ये तो कांग्रेस की अच्छी खासी किरकिरी हो गई, जिसे पोस्टर गर्ल बनाया, लड़की को लड़ सकती हूँ, उन्होंने ही कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रियंका ने पहले तो ये महिला कार्ड खेला और उन्हीं महिलाओं को उपेक्षित कर दिया जिनके सारे वो उत्तर प्रदेश में 32 साल पुरानी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में थी। और हमने प्रियंका मौर्य को भी सुना, वो कह रही है कि देखिए मेरे चेहरे का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। दरअसल यहाँ पर प्रियंका आप कह सकते हैं एक विक्टिम कार्ड प्ले करवा रही है उत्तर प्रदेश में। तमाम उन महिलाओं को इस बार टिकट दिए गए, प्रत्युष जो पहले लिस्ट कांग्रेस ने सामने रखी उसमें उन लोगों को टिकट दिए गए, उन महिलाओं को टिकट दिए गए जो किसी न किसी वजह से, ऐसा प्रियंका गांधी का कहना है कि सरकार से पीड़ित रही है, उन्हें उपेक्षित किया गया। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी इस तरीके से दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे शिवम क्या ये माना जाए कि कांग्रेस का ये कहना कि कोई जरूरी नहीं है कि जो पोस्टर गर्ल हो उसको भी हम टिकट दे ही दे, क्योंकि देखिए उन्होंने टिकट के लिए पार्टी छोड़ी है। आप बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भले ही कैंपेन में उनका नाम आगे किया गया हो, उनके पास फॉलोअर जाता हूं, लेकिन जिन लोगों ने ग्राउंड जीरो पर काम किया है, जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उन्हें तरजीह दी गई है। चूंकि कांग्रेस पार्टी की एक रिवायत रही है प्रत्युष की, यहाँ पर लगातार जो नेता पुत्र होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के पुत्र होते हैं, उनको प्लेसमेंट पहले मिलता है। पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनके जो इसीलिए काम कर रहे हैं काफी समय से कि वो आने वाली अपनी पीढ़ी को सेट कर दें। यही एक वजह है कि प्रियंका मौर्य जैसे जो नई नई नेता होती हैं, नेत्री होती हैं, उन्हें उतनी जल्दी कांग्रेस में मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतना बड़ा सेटअप बिछाया हुआ है, बैठा हुआ है, जो युवा कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने देता है। ये सिर्फ प्रियंका मौर्य है प्रत्युष, अगर आपको याद हो तो ज्योतिराज सिंधिया जैसे नेताओं को आगे नहीं आने दिया गया। सचिन पायलट की आज क्या स्थिति है, जब वो इतने बड़े स्तर के नेता है तब उनकी वो स्थिति है। तो प्रियंका मौर्य को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक जुमले के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उनके पोस्टर में नाम दिया गया, उसके साथ साथ चूंकि वो मौर्य कम्युनिटी से है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का बड़ा वोट है, मुद्दा बना हुआ था।